ये तो पूर्ण रूप से निद्रा में चला गया। महोदर, ये किस कार्य में लंकेश ने हमें फंसा दिया? हाँ भ्राता, यदि उठ गया तो हमें खा जाएगा, और यदि नहीं उठा तो लंकेश हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हमारे भाग्य में तो अपने ही भाइयों के हाथों मृत्यु लिखी है। महोदर, लंकेश का आदेश है, इसे उठाना तो होगा ही। क्यों ना हम तृतीय उपाय का प्रयोग करें, लंका के समस्त हाथियों को लाया जाए। ओह, और बड़े प्रयास। इस विशाल राक्षस की निद्रा भंग करने को विकराल हाथियों का झुंड मंगवाया जा रहा है। बड़ा ही निद्रा प्रिय है ये राक्षस। इसकी निद्रा को तो विशाल काय हाथी भी नहीं तोड़ पा रहे। इस महा राक्षस को तो ये हाथी भी मूषक के समान प्रतीत हो रहे होंगे। प्रतीत होता है भ्राता कुंभकर्ण जागने वाले हैं। मूर्ख हैं ये सब। सोने देना चाहिए इस महाराक्षस को। यदि ये जाग गया तो हमारी सेना से पूर्व इन्हें ही मार डालेगा ये। अब तो मात्र अंतिम उपाय ही बचा है। भ्राता कुंभकर्ण को भोजन बहुत ही प्रिय है, विशेष रूप से रक्त एवं मांस। इन्हें अधिक सबसे अधिक रुचिकर लगता है। यदि भोजन से इनकी निद्रा टूट सकती है तो ये भी करके देख लेते हैं। सैनिकों, शीघ्र ही भोजन की व्यवस्था की जाए। जी महोदर जी। जी महाराज। चलो, यदि ये अंतिम उपाय सफल नहीं हुआ ना महोदर, तो हमारे जीवन का भी अंत हुआ समझो। है तो ये राक्षसी, रक्त पिएंगे, मांस खाएंगे, राक्षसी वृत्ति नहीं छूट सकती इनकी। किंतु कहीं ये राक्षसी उपाय सफल हो गया तो? भोजन की गंध को और बढ़ाओ, इनके नासिका के पास तक लेकर जाओ भोजन को। प्रतीत हो रहा है राक्षसों का यह राक्षसी उपाय सफल हो जाएगा। सावधान, भ्राता कुंभकर्ण की निद्रा टूटने वाली है। महोदर, अभी तक तो ये भय था कि इनकी निद्रा टूटेगी या नहीं, अब ये भय कि कहीं असमय इनकी निद्रा टूटने से कोपित होकर हमारी बात सुने बिना ही अर्ध निद्रा अवस्था में हमारा यंत्र ना कर दे। पहले तो सिंह की मांद में प्रविष्ट हुए और अब मुश्कों की भांति भय के मारे कांप रहे हो। Ah!
भोजन। मांस। रक्त। आनंद, अति आनंद। मदिरा। पशु भी हैं। अन्यथा ये हमें ही खा जाएंगे। महोदर जी, महोदर जी, कुछ नहीं बचा। भोजन के लिए कुछ नहीं बचा। सेवकों के साथ वाटिका में जाओ और सारे फल तोड़ कर लाओ। भोजन लाओ। महोदर जी, वाटिका के सारे फल भी समाप्त हो चुके हैं। हाँ महोदर, फल भी समाप्त हो चुके हैं। कहाँ से लाए भोजन? कुछ भी शेष नहीं बचा। अब क्या अपने आप को भेंट कर दूं? अब तो बिना किसी ध्वनि के यहाँ से चुपके से निकल लो, अन्यथा कहीं हम भी इनका भोजन न बन जाए। मैं जानता था कि यही होगा। अब स्वयं इसका भोजन बनकर मिटाओ इस राक्षस की भूख। रुक जाओ। मेरी निद्रा टूटने से पूर्व मेरे लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? कहीं तुम सबने मेरी निद्रा के 6 माह पूर्ण होने से पूर्व तो नहीं उठा दिया मुझे? मौन क्यों हो? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या इसी माह में मुझे उठाया जाना था? इतनी बड़ी भूल, पहली भूल कि तुमने समय से पूर्व ही मुझे उठाया, और दूसरी भूल कि मेरे जागने से पूर्व मेरे लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन की व्यवस्था नहीं की। इन दोनों महाभूलों के लिए तुम्हें दंड मिलेगा, दंड मिलेगा तुम्हें। अब तुम सब मेरा भोजन बनोगे। लंका पर संकट छाया हुआ है। लंकेश का जीवन भी संकट में है। हाँ भ्राता, आपातकाल है। लंका महासंकट में घिरी हुई है, इसीलिए लंकेश ने स्वयं आपको जगाने का आदेश दिया है और शीघ्र ही आपको बुलाया है। लंका पर संकट।
यदि ये विकराल राक्षस युद्ध भूमि में आ गया तो हमारी वानर सेना के लिए काल के समान सिद्ध होगा ये। क्षण भर में विनाश मचा देगा ये हमारी सेना में। बहुत बड़ा संकट है ये महाराक्षस। कुंभकर्ण के होते हुए लंका और लंकेश पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता। चुटकी में मसल कर रख देगा कुंभकर्ण भ्राता श्री लंकेश के हर एक शत्रु को। घुटने टेकेगी नहीं। प्रभु श्री राम की वानर सेना है ये। ये शत्रु के घुटने टेकवाएगी। रावण चाहे किसी को भेज कर देख ले। हनुमान। प्रणाम प्रभु। कुंभकर्ण को भेजने वाला है रावण। प्रभु, लंका में रावण के आदेश पर कुंभकर्ण को जगा दिया गया है। मेरु पर्वत के समान विशाल काया है उसकी। महाविकराल राक्षस है वो प्रभु। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भ्राता रावण ने असमय ही भ्राता कुंभकर्ण को निंद्रा से जगा दिया। कल युद्ध भूमि में इनसे सामना होगा। चलते फिरते पर्वत की भांति दिखाई देता है ये महाविकराल राक्षस। ये महाराक्षस इतना भूखा था कि जागते ही राजभवन का सारा भोजन खा गया। वाटिका के समस्त फल खा लिए। ये तो समस्त लंका को ही अपना ग्रास बना लेता, किंतु रावण को संकट में जानकर रुक गया। बहुत आदर करते हैं भ्राता रावण का वो, इसीलिए रुक गए। अन्यथा उन्हें देवता भी नहीं रोक सकते थे। बचपन से ही उन्हें तीव्र शुधा लगती थी। ऐसा लगता था जैसे समस्त संसार को ही खा जाएंगे। बहुत सारे चमकते हुए फल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तो अनेक फल है खाने को। इन सबको भी उद्धृत करता हूँ। हाँ, ये तो सूर्य की भांति तप्त है। इसे भी खा लेता हूँ, बड़ा आनंद आएगा। और क्या खाऊं? और क्या? वो क्या है? रजत की भांति चमकता हुआ? इसकी तो क्षुधाई शांत नहीं होती। ऐसा ही रहा तो ये शीघ्र ही सारी सृष्टि को उदरस्त कर लेगा। समस्त देवता चिंतित हो उठे थे। उन्होंने समस्त सृष्टि को तहस नहस कर दिया था। अब वो सभी ग्रहों के बाद चंद्र ग्रह को खाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तब उन्हें रोकने के लिए देवराज इंद्र को आना पड़ा। बस रुक जाओ रक्ष बालक। ठीक है, रुक जाता हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम मेरे लिए अच्छा और स्वादिष्ट भोजन जो लाए हो। भोजन मैं लाया हूँ? हाँ, वो छोटा सा श्वेत हाथी, उसे खाने में बड़ा आनंद आएगा कुंभकर्ण को। इसके पूर्व ही मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुमने अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए इस सृष्टि को बहुत क्षति पहुंचाई है।
मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। तुम मुझे रोकोगे? ठीक है तो रोक के दिखाओ, मैं इस हाथी को खा कर दिखाता हूँ। वाह बहुत सुंदर हो तुम, स्वादिष्ट भी होगे। ओहो कहाँ चले गए तुम? बहुत उत्पात मचा लिया तुमने। मुझ पर प्रहार किया तुमने? उतर जाओ इस हाथी पर से, अन्यथा मैं तुम्हें भी इस हाथी के साथ खा जाऊंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, यहाँ से जाने में ही भलाई है। अंततः इंद्रदेव को भी निराश होकर लौटना पड़ा। प्राता लंकेश, प्राता लंकेश, भ्राता लंकेश, आपका अनुज कुंभकर्ण आपकी सेवा में उपस्थित है भ्राता श्री। प्रणाम भ्राता श्री। कुंभकर्ण मेरे अनुज, कितनी व्याकुलता से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। शीघ्र बताइए भ्राता श्री, ऐसा कौन है जिसके कारण लंका संकट में है? कौन है वो जिसके कारण असमय ही आपको मुझे निद्रा से जगाने की आवश्यकता आन पड़ी? वो शत्रु कोई भी हो, उसे मैं क्षण भर में ही मसल दूंगा। कुंभकर्ण, तुम्हारे निद्रा से जागने का अर्थ ही है शत्रु का चिर निद्रा में लीन हो जाना। मृत्यु की नींद में सोने का समय आ गया है उनका। परंतु मुझे शीघ्र बताइए कौन है वो शत्रु? वो शत्रु है अयोध्या का एक वनवासी। उस वनवासी के उकसाने पर उसके अनुज ने हमारी बहन सुपर्णखा की नाक को काट कर उसे अपमानित किया। उसके बाद हमारे भाई खर और दूषण सहित 14 सहस्त्र राक्षसों का वध किया। उससे प्रतिशोध लेने के लिए मैंने उसकी पत्नी का अपहरण किया। तो उसने एक वानर को भेजकर राक्ष कुमार सहित अनेक राक्षस योद्धाओं का वध करके हमारी लंकापुरी को जला दिया। मैंने उन्हें साधारण नर और वानर समझने की भूल क्या की, वो तो वानर सेना को लेकर समुद्र पार कर लंका तक पहुंच गए। उन्होंने हमारे मुख्य सेनापति प्रहस्त सहित कई राक्षस योद्धाओं का वध किया। मेघनाथ का प्राण घातक नागपाश भी उनका कोई अहित नहीं कर सका। इसलिए मैंने तुम्हें निद्रा से उठाने का आदेश दिया। तो उचित ही तो किया उस वनवासी ने, तो उचित ही तो किया उस वनवासी ने, तो उचित ही तो किया उस वनवासी ने, तो उचित ही तो किया उस वनवासी ने। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। पुत्र प्रणाम ब्रह्मदेव। बस कुंभकर्ण, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं। कहो क्या वरदान चाहते हो? भ्राता कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहते थे, किंतु उसी क्षण माता सरस्वती उनकी जिह्वा पर आकर बैठी और उन्होंने इंद्रासन के स्थान पर मांगा। ब्रह्मदेव मुझे इंद्रा
निद्रासन का वरदान चाहिए तथा ये मैंने क्या मांग लिया? तुम 6 माह तक निद्रासन पर रहोगे और फिर 1 दिवस के लिए अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए उठोगे, फिर पुनः निद्रा मग्न हो जाओ। यही क्रम तुम्हारे जीवन भर चलता रहेगा और यदि कोई तुम्हें नियत समय से पूर्व निद्रा से जगाएगा तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। किंतु सब कुछ जानते हुए भी भ्राता लंकेश ने असमय युद्ध के लिए भ्राता कुंभकर्ण की निद्रा भंग कर दी, जिस कारण अब वो अधिक ही दुर्दांत सिद्ध होंगे। आपने जो किया अनुचित किया है भ्राता। ये क्या कह रहे हो तुम? अपनी पत्नी की रक्षा करना प्रत्येक पति का कर्तव्य है। अनुचित कार्य तो आपने किया है, देवी सीता का अपहरण करके। यदि आपको सूर्पणखा का प्रतिशोध ही लेना था तो उस वनवासी राम के साथ वीरता पूर्वक युद्ध करते, परंतु आपने तो कुछ और ही किया। एक चोर कर्म करते हुए सीता का हरण करके एक अत्यंत ही घृणित कार्य किया है आपने। कुंभकर्ण, मेरे अनुज होकर मेरे शत्रु का पक्ष ले रहे हो तुम? नहीं भ्राताश्री, परंतु जब बड़े पथ भ्रष्ट हो जाएं, तो हम छोटों का ये कर्तव्य है कि हम उन्हें उचित मार्ग दिखाएं। भ्राताश्री, शूर्पणखा के बारे में मैं ही नहीं आप भी भली भांति परिचित हैं और अवश्य ही वो काम के वशीभूत होकर उस वनवासी राम के पास गई होगी और इसीलिए उसकी नाक काटी गई होगी। प्रतीत होता है कि अभी भी निद्रा के प्रभाव में हो तुम कुंभकर्ण, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे राक्षस कुल और हमारी लंका को कितनी क्षति पहुंचाई है उन नर और वानरों ने। नहीं भ्राताश्री, धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा और उसकी प्रजा दोनों को ही दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब मोह विकार हैं मन के, जिनके वशीभूत होकर धर्म और नीति का मार्ग त्याग कर मनुष्य अधर्म और अनीति का मार्ग अपना लेता है। वही आपने भी किया है भ्राताश्री। बंद करो ये अपना नरगल प्रलाप। भीषण के जैसे द्रोही की भाषा बोल रहे हो तुम। जाओ, जाकर मिल जाओ मेरे शत्रुओं से। देश दे रहे हो, युद्ध के लिए उठाया है मैंने तुम्हें, ना कि प्रवचन देने के लिए। जाओ, संकेश रावण में अब भी इतना सामर्थ्य है कि तुम्हारे बिना वो ये युद्ध लड़ सके। भ्राता कुंभकर्ण हैं तो असुर किंतु बड़े ज्ञानी हैं। वो नीति और धर्म को भली भांति जानते हैं। वो भ्राता लंकेश को समझाने का प्रयास अवश्य करेंगे। कदाचित भ्राता रावण भ्राता कुंभकर्ण की बात समझ जाए, किंतु यदि उन्होंने भ्राता कुंभकर्ण की बात नहीं मानी तो हमें इस बात पर दृष्टि डालनी होगी कि तब भ्राता कुंभकर्ण क्या करेंगे। भ्राता रावण की बात मानकर युद्ध करेंगे या धर्म का साथ देंगे? रुक जाइए भ्राताश्री, आप भले ही अधर्म और अनीति के मार्ग पर चल रहे हो, परंतु आपके इस अनुज का ये धर्म है वो अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री की आज्ञा का पालन करे। जाएगा कुंभकर्ण इस युद्ध में और उस नर और उसकी वानर सेना को चीटियों की भांति मसल कर रख देगा आपका ये अनुज। भ्राता लंकेश, आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। कल का सूर्योदय विनाश का अंधकार लेकर आएगा उस नर और उसकी वानर सेना के लिए। कल सूर्योदय होते ही
यहीं से आपका आशीर्वाद लेकर जाऊंगा मैं रणभूमि में। राम, जहां तक मैंने रावण को समझा है वो बड़ा हठी है, वो कुछ भी करके कुंभकर्ण को युद्ध के लिए मना ही लेगा। ऐसे में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? हाँ, हमारे मुग्धर आदि तो तिनकों के समान होंगे उसके लिए। हम इतने विशालकाय राक्षस से कैसे लड़ेंगे? उसका भी उपाय है मेरे पास, आप लोग चिंता ना करें। जब वो राक्षस आएगा तो हम इन वृक्षों के तनों से प्रहार कर उसका मार्ग रोक देंगे, उसकी चिता बना देंगे हम, और शीघ्र ही अग्नि प्रज्वलित करके दहन कर देंगे उस राक्षस का। दहन कर देंगे। भ्राता लंकेश, आपका अनुज कुंभकर्ण पूर्णतया सज्जित होकर युद्ध के लिए उपस्थित है। मुझे आशीर्वाद दीजिए भ्राता। क्या भ्राता, इस सेना की क्या आवश्यकता है? क्या आपको आपके अनुज की शक्ति पर संदेह है? इन्हें अपने साथ ले जाने का अर्थ है कि कुंभकर्ण की शक्ति का अपमान करना। मैं एकाकी ही सक्षम हूं उन नर और वानरों के सर्वनाश के लिए। इसे अन्यथा मत लो कुंभकर्ण, ये युद्ध के लिए नहीं जा रहे, ये तुम्हारे आगे चलकर रणभेरी बजाएंगे, विजय धुन बजाकर विजय का उद्घोष करेंगे ये। कुंभकर्ण, आज के युद्ध में तुम्हें मात्र सुग्रीव को बंदी बनाकर लाना यहां। वो वानरों का राजा है, उसे बंदी बनाने का अर्थ है विजय श्री की प्राप्ति। विजय तो हमें ही प्राप्त होनी है, आपको सुग्रीव चाहिए ना? आपको सुग्रीव मिल जाएगा। प्रणाम भ्राता श्री, हमें अब युद्ध पे जाने की आज्ञा दीजिए। महापार्श महोदर, तुम भी साथ में जाओ, रणभेरी लिए हुए सैनिकों के पास अस्त्र शास्त्र भी है, आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग कर लेना। कुंभकर्ण का कोई विश्वास नहीं, युद्ध भूमि में ही निद्रालीन हो सकता है वो, और यदि वानरों का रक्त उसके मुख तक पहुंच गया तो वो युद्ध को भूलकर उन वानरों को खाने में जुट जाएगा। ऐसे में उसका उद्देश्य स्मरण कराना तुम दोनों का कार्य है। समझ में आया जो मैंने कहा? जी भ्राता। तो फिर खड़े क्यों यहां? जाओ उसके पास और जैसा मैंने कहा वैसा करो, जाओ। आज अंत होगा इस युद्ध का। विजय भवा कुंभकर्ण।
बात नहीं क्या होगा आज के युद्ध में। इस विशालकाय राक्षस पर नियंत्रण पाना बहुत कठिन है। हाँ 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 बंधु, कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ बंधु, कुछ भी हो सकता है। ये वानर सेना चीटियों का समूह, मेरे पांव तले मसले जाएंगे ये। ये विजय धुन, युद्ध से पूर्व ही विजय धुन। भ्राता लंकेश का अभिमान है ये। भ्राता कुंभकर्ण के युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही विजय धुनी बजाकर युद्ध में विजय की घोषणा कर रहे हैं ये। रावण यदि इसी से प्रसन्न होना चाहे तो हो ले, परंतु सत्य तो ये है, अधर्म कितनी भी बड़ी शक्ति के साथ रणभूमि में क्यों न उतरे, विजय सदैव धर्म की होती है। विभीषण जी, मेरे विचार से आपको वहां नहीं जाना चाहिए। विभीषण जी, जो क्रोध कुंभकर्ण के मुख पर दिखाई दे रहा है उससे प्रतीत होता है कि वो आपको चेतावनी दिए बिना ही आपका वध कर देगा। क्षमा करें, मेरे विचार से तो विभीषण जी को वहां पर जाना चाहिए। जैसा कि विभीषण जी ने बताया कि कुंभकर्ण नीति एवं धर्म को समझता है, अपने भाई का सम्मान करता है, अतः जो अपने एक भाई की बात मानता है वो अवश्य दूसरे भाई की बात भी सुनेगा। हो सकता है वो विभीषण जी की बात समझकर रावण का साथ छोड़कर अधर्म के मार्ग से धर्म के मार्ग पर आ जाए। हाँ, उनका अनुज भ्राता हूं मैं, उन्हें सुझाव देने का अधिकार है मेरा कि अधर्म के पथ को त्याग कर धर्म के पक्ष में आ जाए। प्रभु, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी विभीषण जी के साथ जाना चाहता हूं। यदि स्थिति प्रतिकूल हो गई तो मैं संभाल सकता हूं। जय श्री राम। प्रणाम भ्राता श्री। विभीषण मेरे अनुज, बहुत ही भाग्यशाली हो तुम जो धर्म के पक्ष में खड़े हो।
मृत्यु पर्यंत धर्म का ही साथ देना विभीषण। भ्राताश्री, धर्म और अधर्म के मध्य में किसी एक पथ को चुनने का अवसर सभी को प्राप्त होता है। आप भी अधर्म के पथ को त्याग कर धर्म के पक्ष में आ जाइए। विभीषण, मैं भी भ्रातृ धर्म निभा रहा हूं। मैं भ्राता लंकेश से द्रोह नहीं कर सकता। मैं धर्म या अधर्म के लिए इस युद्ध भूमि में नहीं आया हूं। मैं भ्राता लंकेश का साथ देने के लिए इस युद्ध भूमि में आया हूं विभीषण, और मृत्यु पर्यंत उन्हीं का साथ दूंगा। तो मैं भी तो आपका अनुज भ्राता हूं। इसीलिए तो तुम्हें अंतिम बार भेंट करने के लिए बुलाया है विभीषण। जब पुनः हम आमने सामने होंगे, तुम मेरे भाई नहीं बल्कि मेरे शत्रु हो। यदि इन्हें नहीं रोका गया तो कुंभकर्ण से युद्ध से पूर्व ही हमारी पराजय हो जाएगी। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनका मनोबल टूट रहा है। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। हर कार्य एक समय पर होता है लक्ष्मण। एक ओर हमारे योद्धा भयभीत होकर इससे दूर जा रहे हैं, और दूसरी ओर ये पाप एवं अधर्म का साथ देकर मृत्यु के निकट आ रहा है। इसके पाप का घड़ा बढ़ते ही इसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे विश्वास है कि इस युद्ध में पाप और अधर्म के साथ देने वाले को कोई नहीं बचा पाएगा। Ha 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 ha